बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उसामाता यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, लिखने की सलाहियत और मुताले का शौक़ किसी भी इम्तिहान में कामयाबी की ज़मानत होती है, क्योंकि आज के दौर में तमाम तर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का मोड ऑफ़ कंडक्शन इंग्लिश मीडियम है। तो मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना इम्तहान इस वजह से क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि उनकी इंग्लिश राइटिंग पावर और इंग्लिश ग्रामर की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। सो फ्रॉम टुडे टू ऑनवर्ड मैं आपके साथ डेली 10 वर्ड्स कैब के शेयर किया करूँगा और जो ज़रूरी ग्रामर्स के रूल्स हैं वो भी आपको सिखाऊंगा। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना हो। सो आज के वर्ड्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हमारा सबसे पहला वर्ड जो है वो है ओवरवेल्म। ओवरवेल्म एक वर्ब है। मैंने रिसेंटली एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर वीडियो अपलोड की थी, उसके अंदर मैंने डिटेल्ड बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और कितने टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको अंडरस्टैंड कर लें, समझ लें, ताकि आपको आने वाले वोकैब के अंदर किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। ओवरवेल्म में एक वर्ब है। व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब किसी भी एक्शन को जाहिर करता है। ओवरवेल्म के मीनिंग क्या है? डिफेक्ट कम्प्लीटली। डिफेक्ट कहते हैं शिकस्त देना, किसी को कम्प्लीटली शिकस्त दे देना। सिनोनिम्स: बीट, ट्राउंस, वैंक्विश, एनिहिलेट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है एनाथीमा। एनाथीमा एक नाउन है। नाउन किसी भी जगह, चीज़ या शख्स का नाम होता है। इसके मीनिंग क्या है? समथिंग आर समवन दैट वन वी मेंटली डिसलाइक्स। वी मेंटली के मीनिंग होता है कि पुरजोर तरीके से, ठीक है, शिद्दत के साथ, हेटफुल। इसके सिनोनिम्स में आता है बैन, कर्स, एग्जीक्रेशन, इम्प्रिकेशन, मेलिडिक्शन, मेलिजन। एग्जॉर्बिटेंट, ये क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी चीज़ के स्टेट को या क्वालिटी को जाहिर करें, ठीक है, या बिहेवियर के स्टेट को जाहिर करें। मीनिंग ऑफ आर राइज आर अमाउंट चार्ट। सॉरी, इधर राइज लिखा हुआ है, ये राइज है। राइज कहते हैं बढ़ना, ठीक है, बढ़ना, प्राइस का बढ़ना या फिर चार्ज, एक्स्ट्रा चार्जेस, ठीक है। ये स्टेट को बयान कर रहा है तो ये एक एडजेक्टिव है। अनरीजनेबली हाई, ठीक है, इसके मीनिंग में आता है। और इसके सिनोनिम्स जो हैं वो हैं एक्सेसिव, एग्जॉर्शनेट, प्रोहिबिटिव, ओवर प्राइस। नेक्स्ट वर्ड है फ्लीस। ये एक वर्ब है। वर्ब किसे कहते हैं? एक्शन को, कोई भी काम। मीनिंग टू टेक समवन्स मनी डिसऑनेस्टली, किसी की मनी को डिसऑनेस्टली लेना। बाय चार्जिंग टू मच मनी और बाय चीटिंग देम, ठीक है। उसके बाद सिनोनिम्स इसके क्या है? चीट, स्विंडल, कॉन, डिफ्रॉड। इसके बाद टेंजिबल, ये भी एक एडजेक्टिव है, किसी भी क्वालिटी को या स्टेट को जाहिर करेगा। अ रियल एंड नॉट इमेजनरी, ठीक है, इसके माने क्या है? टेंजिबल के रियल, जो कोई भी चीज़ रियल जो चीज़ हो उसको कहते हैं टेंजिबल। एबल टू बी शोन, जिसको दिखाया जा सके। अब इमेजनरी चीज़ को हम शो तो नहीं कर सकते, रियल चीज़ होगी तो शो होगी। सो जिसको हम टच कर सकें, आर एक्सपीरियंस्ड, मतलब कि वो चीज़ जिसके ऊपर फाइव सेंसेस अप्लाई हो सकें, टेस्ट, टच, हियर, कोई भी एक सेंस अप्लाई हो जाए तो वो हमारी चीज़ टेंजिबल होगी। इसके सिनोनिम्स में आता है रियल, पल्पेबल, कॉर्पोरियल, टैक्टिकल, सॉरी टैक्टाइल। इसके बाद नेक्स्ट है जोल्ट। ये भी एक वर्ब है, फेल है। इसके मीनिंग है टू शॉक समवन इन ऑर्डर टू चेंज देयर बिहेवियर और वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। बम्प्स एंड जोल्ट्स आपने सुना होगा, तो ये जोल्ट वही है कि किसी को भी शॉक वगैरह लगाना। अक्सर जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं उनको शॉक वगैरह लगाया जाता है तो उनको भी जोल्ट कहते हैं। सिनोनिम्स क्या है? शॉक, स्टार्टल, स्टन, स्टैगर। नेक्स्ट हमारा है अट्टर। ये भी एक एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या है? कंप्लीट और एक्सट्रीम, ठीक है, मुकम्मल या फिर एक्सट्रीम लेवल। सिनोनिम क्या है? एब्सोल्यूट, डाउनराइट, शियर, थारो, लिमिटेड, आउट एंड आउट। नेक्स्ट है डेविएट। डेविएट एक वर्ब है। डेविएट कहते हैं मुड़ जाना, ठीक है, वर्ब है तो फेल है ये, एक कोई काम है। मीनिंग टू डू समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल और कॉमन वे ऑफ बिहेविंग। सिनोनिम डाइग्रेस, डाइवर्ज,
डिपार्ट, स्ट्रे, सवियर। नेक्स्ट है एनिमोस्टी, ये भी एक नाउन है। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग। मीनिंग क्या है इसका? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, अपोजिशन और एंगर। सिनोनिम्स एंटीपैथी, एवर्जन, एंटागोनिज्म, डिटेस्टेशन। आज के हमारी वोकैब का लास्ट वर्ड है पिथी। पिथी एक एडजेक्टिव है जो किसी भी ऐसे वर्ड जो किसी भी क्वालिटी या स्टेट बिहेवियर को शो करें वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। मीनिंग ऑफ स्पीच आर राइटिंग, ठीक है। एक्सप्रेसिंग एन आइडिया क्लेवरली इन अ फ्यू वर्ड्स। सिनोनिम्स कंसाइज, वो कहते हैं आपके आंसर्स के अंदर कंसाइजनेस होनी चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। ये ट्रिकी वे में आंसर करना, इसे कहते हैं पिथी। टर्स, सक्सिनेंट, लेकोनिक। सो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वोकैब नहायत ही अहम होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसामा ताको अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।